हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्यम आर्या। हमने आज एक नया वीडियो लाया है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट का क्लास क्या होता है? इंसेक्ट का क्लास है इंसेक्टा। इंसेक्टा क्लास के अंतर्गत इंसेक्ट आता है। तो इंसेक्टा जो क्लास है उसमें कितने ऑर्डर आते हैं? 29 ऑर्डर आते हैं। 29 ऑर्डर आते हैं इंसेक्टा के अंतर्गत। तो इंसेक्टा को 29 ऑर्डर में बांटा गया है। आप उसमें देख लेते हैं, इंसेक्टा क्लास जो है उसको दो ग्रुप में बांटा गया है, दो सब क्लास में। पहला सब क्लास है ए टेरिकोटा, दूसरा सब क्लास है टेरिकोटा। पहला जो ए टेरिकोटा क्लास है उसमें कितने ऑर्डर आते हैं? 4 ऑर्डर आते हैं। और जो दूसरा टेरिकोटा क्लास है उसमें कितने ऑर्डर आते हैं? 25 ऑर्डर आते हैं। तो ए टेरिकोटा जो ग्रुप है उसमें 4 ऑर्डर आते हैं, 4 ऑर्डर आते हैं। उसमें एग्जांपल देख लेते हैं, विथ ऑर्डर के नाम और विथ एग्जांपल। तो थाइसिन्यूरा ऑर्डर है जिसमें सिल्वर फिश एग्जांपल हो जाता है। डिप्लूरा है जिसमें जेपी गिट्स हो जाता है। प्रोटूरा है, प्रोटोरांस हो जाते हैं। कोलोम्बेला है स्प्रिंग टेल, उसके एग्जांपल हो जाते हैं। तो ए टेरिकोटा ग्रुप के अंतर्गत 4 ऑर्डर आते हैं जिसमें ये 4 ऑर्डर के नाम है विथ उसके एग्जाम्पल हो। अब हम देख लेते हैं ए टेरिकोटा ग्रुप के अंतर्गत थोड़ा सा कैरेक्टर देख लेते हैं। ए टेरिकोटा में जो मेटामॉर्फोसिस होती है, वह न के बराबर होती नहीं होती है। मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है। अब इसमें विंग्स भी डेवलपमेंट नहीं होते हैं, विंग्स नहीं पाए जाते हैं। अब ए टेरिकोटा हो गया, मतलब विंग्स आर एब्सेंट और मेटामॉर्फोसिस ए मेटाबोलो टाइप का होगा। अब हम टेरिकोटा की बात करते हैं। टेरिकोटा ग्रुप के अंतर्गत कितने ऑर्डर आते हैं? 25 ऑर्डर आते हैं। तो टेरिकोटा जो ग्रुप है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक एग्जूप टेरिकोटा और एक इंडूप टेरिकोटा। एग्जूप टेरिकोटा मीन्स जिसमें विंग, अब टेरिकोटा क्या है? टेरिकोटा में जिसमें विंग्स पाया जाएगा तो उसमें हम टेरिकोटा के अंतर्गत रख लेते हैं। टेरिकोटा में हम समझ लेते हैं कि टेरिकोटा में आने वाले जो भी 25 ऑर्डर होंगे उसमें विंग्स डेवलप्ड होंगे, विंग्ड होंगे इंसेक्ट, विंग्स पाए जाएंगे इंसेक्ट में। अब हम यहाँ पे बात करें इंसेक्ट में विंग्स पाए जाएंगे। अब हम नीचे बात करते हैं, दो क्लासीफाई किया गया दो वर्ग में, एक एग्जूप टेरिकोटा और एक इंडोप टेरिकोटा। एग्जूप टेरिकोटा में विंग्स का डेवलपमेंट कैसा होगा? एक्सटर्नल होगा। कैसा होगा? एक्सटर्नल होगा, एक्सटर्नल विंग डेवलपमेंट, तो एग्जूप टेरिकोटा में विंग्स का डेवलपमेंट कैसा होगा? एक्सटर्नल होगा। और एंडूप टेरिकोटा में विंग्स का डेवलपमेंट कैसा होगा? इंटरनल होगा, ठीक है। इंटरनल किसका? इंटरनल विंग डेवलपमेंट। तो एग्जूप टेरिकोटा में एक्सटर्नल विंग डेवलपमेंट और एंडूप टेरिकोटा में इंटरनल विंग डेवलपमेंट होता है। एग्जूप टेरिकोटा के अंतर्गत 16 ऑर्डर होते हैं और एंडूप टेरिकोटा के अंतर्गत 9 ऑर्डर होते हैं। तो टोटल 16 और 9 25, 25 और 4 29 आ गया। इस प्रकार से हम देख लेते हैं एग्जूप टेरिकोटा। अब एग्जूप टेरिकोटा में कितने ऑर्डर है? 16 ऑर्डर। उसमें इफेमेरोप्टेरा ऑर्डर है जिसका एग्जाम्पल मे फ्लाइज है। ओडन आटा है जिसका एग्जाम्पल ड्रैगन फ्लाइज है। प्लिकोप्टेरा जिसका एग्जाम्पल स्टोन फ्लाई है। ग्राइलोब्लेक्टोडिया जिसका एग्जाम्पल रॉक क्रॉलर्स है। आर्थोप्टेरा जिसका एग्जाम्पल ग्रास ऑपर है। फाइसमीडा जिसका एग्जाम्पल लीफ इंसेक्ट, स्टिक इंसेक्ट है। डर्मोप्टेरा जिसमें एग्जाम्पल ईयरविक्स है। इम्बियोप्टेरा जिसका एग्जाम्पल वेब स्पिनर है। डिक्टियोप्टेरा जिसका एग्जाम्पल काक्रोच है। आइसोप्टेरा ऑर्डर जिसका एग्जाम्पल टर्माइट है। जोरोप्टेरा जिसका एग्जाम्पल जोरोप्टेरांस है। प्लिकोप्टेरा ऑर्डर जिसका एग्जाम्पल बुक लाइज है। मोलोफोगा जिसका एग्जाम्पल बर्ड लाइज है। सिफनकुलाटा जिसका एग्जाम्पल हेड एंड बॉडी लूज है। और हेमिप्टेरा ऑर्डर है जिसका एग्जाम्पल बक्स आ जाते हैं। थाइसिनोरा में आपका थ्रिप्स आते हैं। तो इस प्रकार से ये 16 ऑर्डर होंगे, क्रम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये 16 ऑर्डर हो गए एग्जूप टेरिकोटा ग्रुप के अंतर्गत। अब हम बात कर लेते हैं इंडूप टेरिकोटा। इंडूप टेरिकोटा हमने बताया था इंटरनल विंग डेवलपमेंट होते हैं, साथ साथ कितने ऑर्डर आते हैं इसके अंतर्गत? 9 ऑर्डर आते हैं।
अब इसके अंतर्गत नाइन ऑर्डर आते हैं। नाइन ऑर्डर इंडो टेरिकोटा के अंतर्गत आने वाले जो भी इंसेक्ट ऑर्डर होंगे उनके इमेच्योर इंसेक्ट के स्टेज को, मतलब इंसेक्ट के इमेच्योर स्टेज को क्या बोलेंगे, लार्वा बोलेंगे, लार्वा बोलते हैं। और इनमें इंडो टेरिकोटा ग्रुप के अंतर्गत आने वाले जो भी नाइन ऑर्डर होंगे उन नाइन ऑर्डर की लाइफ साइकिल किस टाइप की होगी, होलो मेटाबोलस टाइप की होगी, होलो मेटाबोलस टाइप की होगी, होलो मेटाबोलस टाइप की होगी। और जो एक्सोप्टेरिकोटा है, एक्सोप्टेरिकोटा ग्रुप के अंतर्गत आने वाला जो भी ये इंसेक्ट ऑर्डर है उसके अंतर्गत आने वाले जो मेटामॉर्फोसिस होगी वह कैसा होगा लाइफ साइकिल, वह उनका हेमी मेटाबोला, हेमी के साथ और दूसरा पारो मेटाबोला, पारो मेटाबोला। तो पारो मेटाबोला और हेमी मेटाबोला टाइप के मेटामॉर्फोसिस एक्सोप्टेरिकोटा ग्रुप के अंतर्गत आने वाले जो इंसेक्ट ऑर्डर है उन सभी में किस प्रकार के मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है, पारो मेटाबोला और हेमी मेटाबोला टाइप की मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। और इंडोप्टेरिकोटा ग्रुप के अंतर्गत जो नाइन ऑर्डर है उसमें होलो मेटाबोलस या कंप्लीट लाइफ साइकिल पाई जाएगी और उसमें उसके इमेच्योर स्टेज को क्या बोलते हैं, लार्वा बोलते हैं। तो हम चलिए देखते हैं इंडोप्टेरिकोटा ग्रुप के अंतर्गत जो आने वाले नाइन ऑर्डर है उनका हम क्रम देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। इंडोप्टेरिकोटा जो हमारा ग्रुप था उसके अंतर्गत बात करते हैं, तो इंडोप्टेरिकोटा जो ग्रुप है उसमें हमारे कितने ऑर्डर आते हैं, नाइन ऑर्डर आते हैं। इसमें हमने पहले चर्चा कर लिया कि नाइन ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं, नाइन ऑर्डर आते हैं इसमें है। और इसमें जो लाइफ साइकिल होती है वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस टाइप की होती है, होलो मेटाबोलस टाइप मेटामॉर्फोसिस पाई थी, कंप्लीट लाइफ साइकिल होती है इनकी। नाइन ऑर्डर जो होते हैं इस इंसेक्ट जितने भी हैं इनका लाइफ साइकिल चार अवस्थाओं में घटित होता है, एक लार्वा, पुपा और एडल्ट। तो चलिए देख लेते हैं इंडोप्टेरिकोटा ग्रुप के अंतर्गत आने वाले जो भी ऑर्डर हैं उनका एग्जांपल। तो नीरोप्टेरा ऑर्डर है जिसका एग्जांपल आंट लाइंस और एफिड लाइंस आता है, मिकोप्टेरा में स्कॉर्पियन फ्लाइज आता है, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर जो है उसमें बटरफ्लाइज और मोथ आते हैं, ट्राइकोप्टेरा में कैडिस फ्लाई आता है, डिप्टेरा में ट्रू फ्लाई आता है, साइक्नोप्टेरा में फ्लियाज आते हैं, हाइमोप्टेरा ऑर्डर में आंट्स, वाश्प और हनीबीज आती है, कोलियोप्टेरा में बीटल्स और बीवल्स आते हैं और सिप्सिप्टेरा में स्टालोपिट्स आते हैं। तो इस प्रकार से एक्सोप्टेरिकोटा ग्रुप के अंतर्गत 9 ऑर्डर होंगे विद उसके एग्जाम्पल हो गए। तो इस प्रकार से हमारा इंडोप्टेरिकोटा ग्रुप समाप्त हुआ, हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट समाप्त हुआ। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।